तो भाई रावलपिंडी से एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान को पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश ने हरा दिया है और पाकिस्तान का घमंड जो था वो भी तोड़ दिया है। वो तोड़ा कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली पारी में 448 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और जिसके बाद पाकिस्तान ने पारी को डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि आप समझ रहे हैं, उनको इतना अपने ऊपर विश्वास था कि हम लोग डिक्लेयर कर देंगे और बांग्लादेश को आउट कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश कहां मानने वाला था, बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम भाई एक जिसे बोलते ना खूंटागार बैटिंग उन्होंने करी और अपनी टीम के लिए 191 रन जोड़े 341 गेंद में और पूरी टीम ने कुल बनाए 565 रन। यानी कि 565 रन बांग्लादेश की टीम ने बनाए 10 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद दूसरी पारी जो पाकिस्तान की रही वो 146 पर निपट गई। भाई दूसरी पारी में पाकिस्तान की टीम 146 पर 10 विकेट उनकी चली गई, और ये बताता है कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा बांग्लादेश को हल्के में लिया। आपको बता दूं दोनों टीमों के बीच 13 बार आमना सामना हुआ है टेस्ट इतिहास में और 12 बार पाकिस्तान जीता है और एक टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन इस बार यानी कि आज 14वें टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया भाई, इतिहास जिसे बोले हिस्ट्री बना दिया। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में घुसकर पाकिस्तान को हराया है। 2 टेस्ट मुकाबलों की यह सीरीज है जिसमें 1-0 से अभी जो है वो पाकिस्तान पीछे चल रहा है, और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी हो सकता है कि बांग्लादेश एक बड़ा उलटफेर कर दे, क्योंकि शौरफुल इस्लाम ने तो पहले ही ये बता दिया था कि भाई मेरे लिए बाबर आजम की विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम को अगर मैं आउट कर लूंगा तो मेरे को बेहद खुशी होगी। और ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश की तरफ से शौरफुल इस्लाम ने बाबर आजम को आउट किया, आपके शान मसूद को आउट किया। दूसरी पारी में मेहंदी हसन मिराज ने 4 विकेटें ली, शाकिब ने 3 विकेटें ली। तो ये कुल मिला के एक टीम एफर्ट था बांग्लादेश की तरफ से जो कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं नजर आया। पाकिस्तान की तरफ से आपको बता दूं रिजवान ने पहली पारी में भी रन बनाए, दूसरी पारी में भी रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आप देखें कि बाबर आजम जो थे वो लगातार फ्लॉप रहे। पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 50 गेंदों में 22 रन बाबर आजम ने बनाए। द किंग बाबर आजम पाकिस्तान में उनको बोला जाता है, लेकिन किंग वाला कोई भी काम नहीं किया बाबर आजम ने, अपनी टीम को हरवाया, अपनी टीम को मरवाया। तो ये पाकिस्तान की खासियत है, और आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जिसे बोले कि ये ड्रामे, कल आपने देखा ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके से शान मसूद थे, उनके जो कोच जैसन ग्लेस्पी के साथ उलझ रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, आपस में बहुत ज्यादा टेंस माहौल था, और उसी का नतीजा है कि बांग्लादेश ने उसका फायदा उठाया और पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट में हराया। तो ये एक बड़ी खबर रावलपिंडी से निकल के आ रही है कि पाकिस्तान को पहले टेस्ट मुकाबले में हार झेलनी पड़ी है, देखनी पड़ी है, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। क्योंकि इससे पहले आपको बता दूं कि जो WTC को लेकर उनसे सवाल पूछे गए थे तमाम कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उन्होंने बोला यार शान मसूद ने भाई वो देखेंगे, लेकिन हमारा काम है कि यहां पे टेस्ट सीरीज को जीतना, पाकिस्तान में वैसे मुकाबले नहीं होते, तो होते हैं तो पाकिस्तान यहां पर जिसे बोले कि अपने लिए गड्ढे खुदवा लेते हैं। पहले इन्होंने फ्लैट ट्रैक बना के खूब मुकाबले जीते, अब इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनमें समझ आई, थोड़ा सा पिच पर जो था वो घास दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये उसमें भी लपेटे गए। तो ये हाल है पाकिस्तान की टीम का। शान मसूद इनके कप्तान है, बाबर आजम अब कप्तान नहीं है। तो शान मसूद की तरफ से 37 रन उन्होंने दूसरी पारी में बनाए, और पहली पारी में मैं आपको बता दूं शफीक ने, अब्दुल्ला शफीक ने, शान मसूद ने पहली दूसरी पारी में सिर्फ 14 रन बनाए। तो ये कुल मिला के चीजें रही और पाकिस्तान ये मुकाबला हार चुका है रावलपिंडी में। एक बड़ा उलटफेर बांग्लादेश ने किया है।